जाके अपनी सूरत बताओ मणिपुर में, जाके बताओ नागालैंड में, तब आपको मालूम होगा। देश का, देश को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ती है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं। जब इंदिरा गांधी जी को कहा गया, और इंदिरा गांधी जी भी ये जानती थी कि आज नहीं कल मुझे धोखा है, मेरे जान को खतरा है, फिर भी मैं डरने वाली नहीं है, बोल के उन्होंने अपना आखिरी भाषण कहाँ कहा था? यही कहा था। जो नेता ने आखिरी भाषण यहां कही, जाने का बाद उनके शरीर में 32 गोली डाल के उनको मार दिया। क्या कसूर था? क्या किसी के पैसे लूटे थे? क्या किसी का माइन लूटा था? क्या किसी की संपत्ति हड़प की थी? उनको, उन्होंने देश को एक रखना चाहते थे, लेकिन ये लोगों ने मार दिया। राजीव गांधी यही चाहते थे, जैसा माँ देश को एक रखना चाहती है वैसा ही हम भी करेंगे। तब उन्होंने भी जब मद्रास में, चेन्नई में गए, श्री पेरम्बूर में जब मीटिंग हो रही थी, तब एक महिला ने सीढ़ियों पर ठहर के स्वागत करते हो, वो महिला अपने कमर पे मानो बॉम्ब बनाकर लेकर बांध के लेके गई थी, और वो हार डालते डालते उनके गले में बॉम्ब स्फोट हुआ, और राजीव जी के देह का, शरीर का टुकड़े 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 हो गए। उनका सूरत भी कोई पहचानता नहीं था, उनका शरीर के हर एक भाग अलग अलग हो गए थे। वो किसके लिए उन्होंने किया? वो देश के लिए किया कि अपने लिए किया? बोलिए आप। फिर ये पटनायक को समझ में नहीं आता। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।